हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी के मॉडल प्रश्न पत्र क्रमांक 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज यूज टू कॉपी वेरस, डॉट डॉट इज यूज टू कट द सेलेक्टेड टेस्ट। मतलब कि किस शॉर्टकट की का यूज कॉपी करने के लिए करते हैं जबकि कट करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो कॉपी करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेनू दैट इज फ्री फ्लोटिंग एंड यूजली अपीयर्स नेक्स्ट टू द माउस पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेनू है जो कि फ्री फ्लोटिंग होता है और सामान्य तौर पर माउस पॉइंटिंग के आगे दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपअप के नाम से जानते हैं। ओके, जब आप कहीं भी कर्सर ले जाते हैं तो वो ऑप्शन कौन सा है उस ऑप्शन का नाम बताता है, उसको हम पॉपअप कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर वैलिड फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, बाकी बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है और स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूनिट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लिखने से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है तो हम किस में मापते हैं, पॉइंट में मापते हैं। डिफॉल्ट उसे क्या रहता है, पॉइंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट। लिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट होता है और एमएस एक्सेल भी होता है और डॉस बेस्ड लोटस 1-2-3 भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, लेकिन आपका ये ओपन ऑफिस इंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा नहीं है, ओपन ऑफिस इंप्रेस नहीं है, ये पावर पॉइंट जैसे वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि द कॉलम ऑफ द एड्रेस ऑफ द सेल एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 31th रो एंड 20th कॉलम इज, यानी कि अगर 31 नंबर का रो और 20 नंबर का कॉलम क्या कहलाता है। तो 31 नंबर का रो और 20 नंबर का जो कॉलम है तो उस सेल का नाम क्या कहलाएगा, तो उस सेल का जो नाम है या एड्रेस है तो T31 कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो एक्सेल भी ओपन आपको ओपन करना पड़ेगा, और एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे जाइए और रो नंबर 31 और कॉलम नंबर 20 यानी कि आप T20, तो टी किस पे आता है, 20 पे आता है, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, टी पे जाना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी, ये टी किस पे आता है, T20 पे आता है, और अगर आपको जाना है 30 पे, ठीक है, ये 30 पे, ये अपना हम आ गए 30 पे आ गए, और ये 31 या 30 पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, यहाँ पे देखते हैं, ये 31 नंबर करो, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, T31 के नाम से हम जानेंगे। देखिए, इसका नाम हो गया T31, इस सेल का नाम एड्रेस होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू एडिट द कंटेंट ऑफ एन एक्टिव सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय सेल की सामग्री को संपादन करने के लिए वह तरीका नहीं है। तो देखिए, अगर आप किसी भी सेल को एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बार पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये भी सही है, और डबल क्लिक भी कर सकते हैं एक्टिव सेल पे, और F2 भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर F3 नहीं होता। किसी भी सेल के एडिटिंग करना हो ना तो आप यहाँ पर F3 प्रेस करोगे तो वर्क नहीं होगा, बाकी आप तीनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों के द्वारा आप सेल की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम कोई फंक्शन लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 12 किया, 12 किया, यहाँ पे हम सम फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। ये सम फंक्शन आ गया, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना चाहते हो तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसकी सेल की एडिटिंग करना है तो आप F2 दबा दो, F2 दबा दो तो सेल की एडिटिंग आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो F3 सेल एडिटिंग आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर MS Excel में सेल एडिटिंग करना है तो क्या यूज कर सकते हैं, ये तीनों यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं, वैध तरीका कौन सा नहीं है, तो ये F3 वैध तरीका नहीं है, ठीक है, नॉट वैलिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ दिस सेल कंटेनिंग द एक्सेल इंप्रेशन, यानी कि अगर आप एक्सेल में, जैसे हमने यहां पर दिखाते हैं आपको कि अगर आप यहां पर जाकर के और आप लिखते हैं 55 डिवाइडेड बाय 0, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे ना तो एक विशेष प्रकार का एरर थ्रो करता है और उस एरर का नाम होता है DIV और ये डिवाइड बाय 0, ये एरर होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को आप डिवाइड करोगे 0 से वो डिवाइड नहीं होगा, तो इस तरह का जो एरर होता है तो वो कौन सा एरर है, DIV एरर थ्रो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा DIV 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलस्ट्रेशन ग्रुप किस टाइप के अंतर्गत आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है तो यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है, आपका इंसर्ट के अंतर्गत आता है। तो हम थोड़ा सा वर्ड भी ऑन कर लेते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, तो वर्ड में ऑन कर लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं और देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, आर्ट्स, चार्ट्स और स्क्रीनशॉट, ये चीजें मिल जाती हैं इलस्ट्रेशन के अंदर। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलस्ट्रेशन ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, तो ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इंसर्ट टैब हो जाएगा, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है तो वर्ड से ही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सभी चार्ट लगाना, ये सभी किस में आप पाएंगे, तो इन सभी को हम किसके अंतर्गत पाते हैं, इलस्ट्रेशन के अंतर्गत ही मिलेंगे ये सभी चीजें। ये पिक्चर आर्ट, ये क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ये आपका चार्ट, ये सभी इलस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा इलस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर लगाने के लिए किस टाइप का प्रयोग करेंगे। तो पिक्चर लगाने के लिए किसका यूज करेंगे, इंसर्ट टाइप का ही यूज करेंगे। अगर आपको कोई पिक्चर लगाना है तो इंसर्ट पर जाइए, ये पिक्चर टाइप का, पिक्चर ऑप्शन का, रिबन का यूज कर लीजिए। तो यहां पर कौन सा टाइप यूज करेंगे, इंसर्ट टाइप का ही यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट लगाने के लिए किसका यूज करेंगे। तो अगर आपको लगाने वाली जो चीजें होती है ना तो वो सभी इंसर्ट के अंतर्गत आता है। जैसे आपको पिक्चर लगाना हो या टेबल लगाना हो, सभी ये इंसर्ट के अंतर्गत ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कि शेप एंड स्मार्ट आर्ट, वही लगाने वाली चीजें हैं। तो अगर आपको शेप या स्मार्ट आर्ट लगाना है तो आपको इंसर्ट टाइप का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप, आपको रेडीमेड आकार जैसे कि सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया आदि लगाना है, ठीक है, तो इसके लिए किस ग्रुप का यूज करेंगे। तो वही जैसे कि हमने बताया आपको कि इंसर्ट टाइप के अंदर आप जा करके और आप इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आप लगा सकते हैं, ठीक है, आपको वहां पे सेव बहुत सारे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सूचनाओं की विजुअली कम्युनिकेशन के लिए किस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में आ भी चुका है। जो विजुअली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्मार्ट आर्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो आपका ये स्मार्ट आर्ट है ना, तो जब आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो ये पॉपअप खुल किया जाता है और बताता भी है कि इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मान्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा चार्ट मान्य नहीं होता है, तो देखिए यहां पर बता दें कि जो एक्सेल होता है ना या वर्ड होता है, तो इसमें जो आपके चार्ट होते हैं, तो कई प्रकार के चार्ट होते हैं। तो हम फिलहाल आपको एक्सेल में दिखा देते हैं कि जो यहाँ पर चार्ट है इंसर्ट के अंतर्गत, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट होते हैं, चार्ट की आप लिस्ट दे सकते हो, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई जेड चार्ट, एक्स वाई जेड, इस यानी कि एक्स वाई को हम स्कैटर चार्ट कहते हैं, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, ये सभी चार्ट के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन से चार्ट का प्रकार नहीं होता है, तो यहाँ पे चार्ट का प्रकार कौन सा नहीं
होता है, पैटर्न नहीं होता है, बाकी बाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ये सभी चार्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 में स्क्रीन शॉट किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है ना वर्ड में, तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टाइप के अंतर्गत, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका स्क्रीन शॉट, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत मिलेगा, ये आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। तो लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है, तो लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये तीनों आते हैं लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत, लेकिन हेडर एंड फुटर ये ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको हम यहां पे दिखा देते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और ये लिंक्स ग्रुप आपका दिखाई दे रहा है। तो यहां पे लिंक्स ग्रुप आप देख सकते हो, लिंक ग्रुप के अंतर्गत हाइपरलिंक, बुकमार्क और ये क्रॉस रेफरेंस, इतने ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहां पर ओके तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हेडर एंड फुटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वेब पेज या इमेज के लिए लिंक बनाना है तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वेब पेज या इमेज के लिंक बनाना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइपरलिंक का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो वही बताया था प्रीवियस क्लास में, बताया था हाइपरलिंक के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के। फ्रेंड, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे जनरेट किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे अभी सभी को प्रैक्टिकली बताना संभव नहीं है। हालांकि बताएंगे फिर भी जो वीडियो जो टाइम ड्यूरेशन है तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काफी समय हो जाएगा, क्योंकि एक एक घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी हम जो थ्योरी क्लासेस लिए हैं, थ्योरी क्लास की वीडियो बनाया गया है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उस थ्योरी में मिल जाएगा, आप थ्योरी जाकर के पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट की ये डिमांड है कि एमसीक्यूज उनको प्रॉपर बताया जाए, स्टेप बाय स्टेप उनको बताया जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आपको हम उस क्वेश्चन का आंसर बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है कि हाइपरलिंक का यूज कैसे करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं, तो आप इसी चैनल पर जाके वीडियोज के अंतर्गत जाकर के आप थ्योरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, थ्योरी क्लास की वीडियो देख सकते हैं, पूरा ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को विशेष टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट अलाइन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के विशेष टेक्स्ट को असाइन करने के लिए, विशेष टेक्स्ट को असाइन करने के लिए हम बुक मार्क का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, बुक मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क ओपन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, बुक मार्क क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, सभी की अलग से वीडियो बनी हुई है, आप एमएस वर्ड के थ्योरी क्लास में जाकर के देख सकते हैं, प्रॉपर बहुत मजेदार आप टॉपिक बनाया गया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में बनाया गया है, आपको 101% आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक मार्क। बुक मार्क के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, तो बुक मार्क ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी प्लस F5 का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर टेबल फिगर आदि के लिए संदर्भ सेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रॉस रेफरेंसेस ऑटोमेटिक किस रूप में इंसर्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो क्रॉस रेफरेंस होता है तो ऑटोमेटिक हाइपरलिंक के रूप में इंसर्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरलिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन जो ऑप्शन है तो असत्य है। तो बुक मार्क के संदर्भ में कौन सा गलत है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पर बुक मार्क का जो बुक मार्क का सभी नाम स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या है, असत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्य ऑप्शन क्या है कि बुक मार्क के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, सही बात है, स्पेस नहीं होना चाहिए। बुक मार्क का नाम किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, भी सत्य है। बुक मार्क ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस F5 का यूज करते हैं या किया जाता है, यह भी सत्य है। यानी कि ऊपर के तीनों बुकमार्क के संदर्भ में सत्य है, लेकिन यह चौथा ऑप्शन बुकमार्क के संदर्भ में गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
टर्मिनल्स फिश कंसिस्ट ऑफ ओनली ए मॉनिटर एंड कीबोर्ड और माउस, दे डू नॉट हैव देयर ओन सीपीयू इज कॉल्ड। यानी कि एक टर्मिनल जिसमें केवल एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड या माउस शामिल होता है, उसका उनका अपना सीपीयू, खुद का सीपीयू नहीं होता है खुद का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डंब टर्मिनल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, डाटा टर्मिनल्स हैव देयर ओन प्रोसेसर एंड दस कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इज कॉल्ड। टर्मिनलों का अपना प्रोसेसर होता है और अन्य कुछ प्रसंस्करण कार्य कर सकते हैं, उसको हम इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसमें कुछ नहीं होता है, खुद का मेमोरी नहीं होता है, खुद का प्रोसेसर नहीं होता, उसको हम डंब टर्मिनल कहते हैं, और जिसमें खुद का प्रोसेसर होता है उसको हम इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। बस दोनों अंतर ये है। अगला क्वेश्चन ये है, डॉट डॉट कंप्यूटर्स यूज पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड कैन परफॉर्म मोर देन 1 trillion calculation in a second। डॉट डॉट कंप्यूटर समानांतर प्रसंस्करण तकनीकी का उपयोग करते हैं और एक सेकंड में एक से अधिक ट्रिलियन गणना करते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि फिश कंप्यूटर इज कॉमनली नोन एज पीसी। किस कंप्यूटर को सामान्य तौर पर पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी के नाम से जानते हैं, तो ये प्रीवियस क्लास में भी आप बता दिया है कि कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं साइज के आधार पे। ओके, और यहाँ पर साइज के आधार पे और हैवी के आधार पे, अब पर्पस के आधार पे, ठीक है, ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर कंप्यूटर के सभी को बताया दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पीसी को हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिश कंप्यूटर इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश वाज द फर्स्ट पीसी डिजाइन बाय द आईबीएम 1981। IBM के द्वारा 1981 में IBM के द्वारा डिजाइन किया गया पहला पीसी कौन सा था, तो पहला पीसी कौन सा था, IBM पीसी था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑल कंप्यूटर सिस्टम। सभी कंप्यूटर प्रणाली का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, डॉट डॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ALU एंड CU। फिश इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ALU और CU का एक संयोजन है जिससे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिश इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इट इज आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड ऑफ द पर्लर बोर्ड। एक कंप्यूटर का प्राथमिक घटक जो इसे मुख्य बोर्ड या मूल बोर्ड भी कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मदर बोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है, पूरी दुनिया में कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरनेट यानी कि इंटरनेट की डिफिनेशन है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन दैट्स लुक लाइक स्मॉल बॉल पॉइंट पेन। एक इलेक्ट्रॉनिक पेन जो एक छोटे बॉल पॉइंट की तरह दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित निर्देशों का सेट कौन कहलाता है, तो कौन कहलाता है, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कि व्हिच इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, प्रोग्राम्स। राइट आंसर प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम सीमोस इनटू रैम इज कॉल्ड। सीमोस से डाटा को रैम में कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेमोरी शैडो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और निर्देशों के दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहते हैं, डाटा को इनपुट करना कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इफ इनपुट डेटा इज रॉन्ग देन द आउटपुट विल बी आल्सो एरर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। यदि इनपुट डाटा गलत है तो आउटपुट भी गलत आएगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वालिटी का संबंध किससे है, तो क्वालिटी का जो QWERTY क्वालिटी का संबंध
की बोर्ड से है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट डाटा कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डाटा सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है ताकि इसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। तो वो कौन करता है? तो साउंड कार्ड करता है। ओके फ्रेंड्स, कन्वर्ट्स एनालॉग यानी कि साउंड कार्ड्स कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल डाटा सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर साउंड कार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक्स टू वेरीफाई द लीजिमिटेंसी ऑफ पेपर फॉर चेक बुक। चेक बुक के लिए कागज की वैधता को सत्यापित करने के लिए बैंक में क्या यूज करते हैं? तो MICR, पहले भी बताया गया था MICR का यूज क्या होता है। MICR का यूज होता है बैंक में जो चेक होते हैं, चेक में जो नंबर्स होते हैं उसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कलेक्टर रीडर यानी कि MICR का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा MICR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल मार्क रिजोल्यूशन वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड दे कैन रीड अप टू डॉट डॉट फॉर्म्स पर आवर्स। यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिजोल्यूशन उच्च गति पर काम करता है और उसकी जो स्पीड होती है तो प्रति घंटे कितने तक हो सकती है या पढ़ सकते हैं? तो कितना हो सकती है? तो 9000 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डॉट डॉट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिंटेड डाटा इनटू वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट फाइल दैट कैन बी इजिली एडिटेड एंड स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि मोदी डाटा को वर्ड प्रोसेसिंग या टेक्स्ट फाइलों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे इजिली हम एडिटिंग कर सकते हैं इसको भी बताया गया था। तो ये क्या होता है? OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, जो कि लिखे गए इमेजेस टेक्स्ट को वो कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट एडिटेबल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर गेम्स एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड आल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। एक कर्सर नियंत्रण उपकरण है जो कंप्यूटर गेम और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? जॉयस्टिक कहते हैं, जिससे गेम खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑप्टिकल डिवाइस। दिए गए इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है? देखिए यहाँ पे बार कोड रीडर, ऑप्टिकल कैटेगराइजेशन, OCR और MR, OMR और OCR, ये सभी क्या है? ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, लेकिन अपना जो फ्लॉपी डिस्क है मैग्नेटिक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे आपको फ्लॉपी डिस्क है, ये आपका ऑप्टिकल नहीं है। ऊपर के तीनों ऑप्टिकल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकल ऊपर नहीं है तो ये फ्लॉपी डिस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डिवाइसेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर दे आर कॉल्ड। कोई भी उपकरण जिसे वे कहे जाने वाले कंप्यूटर से जानकारी देते हैं उसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। यानी कि जिससे आपको रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इसमें से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो देखिए, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, सभी में हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दिखाई देता है, लेकिन प्रिंटर क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, तो प्रिंटर राइट आंसर प्रिंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं होता है? तो जो मॉनिटर का प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो CRT होता है, LCD होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो कैथोड ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्लाज्मा होता है, लेकिन ब्लू रे डिस्क ये क्या नहीं होता है? ये टाइप ऑफ मॉनिटर का प्रकार नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेजरमेंट ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर को कैसे आप मेजरमेंट करोगे, कैसे आप नापोगे, कैसे आप मापोगे? तो जो मॉनिटर होता है उसको हम डायगोनल, यानी कि हम उसको डायगोनल क्या करते हैं? नापते हैं। ठीक है, कितने इंच का है? 12-15 इंच का, 18 इंच का, 18.5-19 कितने इंच का? ठीक है, तो हम उसको डायगोनली मापते हैं, विकर्ण के रूप में उसको हम मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक गन इज यूज्ड इन व्हिच टाइप्स ऑफ मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक बंदूक का उपयोग किसमें यूज करते हैं? तो किसमें यूज करते हैं? CRT। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, इसीलिए पीछे की ओर बढ़ा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गन लगे होते हैं। ठीक है, तो CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। ये कहां पे लगा होता है? ये CRT मॉनिटर में लगा होता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक गन लगा होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा CRT हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विथ रिस्पेक्ट टू एलसीडी मॉनिटर व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एलसीडी मॉनिटर जो होता है ना, इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट कथन गलत है. तो कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन की कॉलेज राइट आंसर नन ऑफ दिस, कोई भी गलत नहीं है, अर्थात सब सत्य है. पहला क्या है कि एलसीडी मॉनिटर आर वेरी वेरी कंपैक्ट एंड लाइट वेटेड, ये भी सही है. दे कंज्यूम्स लेस पावर, ये पावर कम लेते हैं, कम पावर कंज्यूम करते हैं. दे आर मोर रिलायबल देन सीआरटी, ये ज़्यादा रिलायबल यानी विश्वसनीय होते हैं सीआरटी की अपेक्षा. यानी कि जो एलसीडी मॉनिटर होता है ये सभी सत्य हैं, गलत इसमें से कोई नहीं है. इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस यूजली इन, जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है तो किससे मापा जाता है? तो डॉट पर इंच के माध्यम से मापा जाता है. प्रिंटर का रेजोल्यूशन डॉट पर इंच के माध्यम से मापा जाता है. ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार है? तो देखिए प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट. बाकी इम्पैक्ट में अलग अलग कैटेगरी आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में अलग अलग यहाँ पे प्रिंटर के नाम होते हैं. आगे चल के क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, फिलहाल यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर के ये प्रकार होते हैं. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर. देखिए क्वेश्चन आ गया यहां पे, तो कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का कैटेगरी में नहीं आता है? तो यहां पर लेजर प्रिंटर नहीं आता है. तो यहां पर नॉट ए कैटेगरी ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आता. अच्छा, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर. ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपका लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है. तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा लेजर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि इन ए डॉट डॉट द पेपर इज स्प्रेड ऑन द फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑन द ऑफ द प्लॉटर एंड द पेन इज मूव्ड ऑन इट. यानी कि एक डॉट डॉट में पेपर प्लॉटर की सपोर्ट आयताकार सतह पर फैला जाता है, फैला होता है और उस पर पेन ले जाया जाता है. ऐसा कौन सा प्रिंटर या प्लॉटर होता है? तो कौन सा होता है? ये फ्लैट बेड प्लॉटर होता है. ये फ्लैट बेड का प्लॉटर जो होता है उसका ये क्या है, गुण बता रहा है, यानी कि उसका ये विशेषता है. ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है. डॉट डॉट प्लॉटर इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन पेपर दैट इज रैप्ड अराउंड अ ड्रम. पेपर पर ग्राफिक्स खींचने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है जो ड्रम के चारों ओर लिपटा होता है. तो चारों ओर लिपटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रम प्लॉटर कहते हैं. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ड्रम प्लॉटर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर एंड रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए बार कोड. एक बार कोड में संग्रहित जानकारी को पकड़ने और पढ़ने के लिए हाथ में इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बार कोड रीडर कहते हैं. तो यानी कि बार कोड रीडर की आप कह सकते हो, उसके बारे में पूछ रहा है. किसके बारे में? बार कोड के बारे में. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा बार कोड रीडर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि द रिलेशन ऑफ एप प्रिंटर मीन्स, यानी कि प्रिंटर का जो रिलेशन होता है, रेजोल्यूशन होता है, उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि शार्पनेस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस रेंडर्ड ऑन पेपर. ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा शार्पनेस ऑफ द टेक्स्ट एंड इमेजेस रेंडर्ड ऑन द पेपर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है कि डॉट द टाइप ऑफ स्क्रीन इन यूज इन टेलीफोन कैलकुलेटर्स क्लॉक्स वॉचेस एंड आल्सो इज गेमिंग डिवाइसेस. यानी कि टेलीफोन कैलकुलेटर घड़ियाँ और गेमिंग ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं इनमें इसके क्या यूज़ करते हैं? तो इनमें हम क्या यूज़ करते हैं? एलसीडी सीआरटी या प्लाज्मा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी यूज़ कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, इस नंबर सिस्टम यूजेस बेस 10. कौन सा नंबर सिस्टम जो 10 बेस यूज करती है? तो वो क्या होगा? डेसिमल. डेसिमल बेस क्या यूज करता है? 10 बेस यूज करता है. अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस विच 2 नंबर. बाइनरी नंबर सिस्टम कौन कौन सा यूज करता है? 0 एंड 1. 0 और 1 यूज होता है किसके माध्यम से? बाइनरी नंबर सिस्टम 2 नंबर यूज करती है, 0 एंड 1. ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
व्हिच इज द फुल फॉर्म ऑफ द बिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन है निबल इज ग्रुप ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि निबल कितने बिट का समूह होता है, तो निबल 4 बिट के समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाइट इज ग्रुप ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट, यानी कि बाइट कितने बिट का समूह होता है, जो बाइट होता है तो 8 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई UEFI, UEFI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UEFI का जो फुल फॉर्म होता है तो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस होता है, इंपॉर्टेंट है इसको आपको रखना है। UEFI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट कॉर्ड्स यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर आइदर टू अनदर कंप्यूटर, डॉट डॉट कार्ड का उपयोग कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं, तो कौन सी कार्ड का यूज होता है, नेटवर्क कार्ड, यानी जिसको आप लैन कार्ड भी कह सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सीमोस, सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि बायोस इज यू स्टोर्ड इन, बायोस कहां पे स्टोर होता है, तो बायोस कहां पे स्टोर होता है, बायोस रोम में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म पेयर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि यहाँ पे पोस्ट ऑन पावर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, ठीक है, तो परफॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब कंप्यूटर चालू होता है तब निम्नलिखित से कौन सा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, तो कौन करता है, ये बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिटेड पावर सप्लाई होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है Which of the following is a type of computer generally known as large size storage and processing power and used for large scale computing? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार भंडारण और प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर वो वर्क करता है, तो वो कौन, इसको क्या कहते हैं, हम मैन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बायोस इज टाइप ऑफ, बायोस किसका प्रकार है, तो बायोस क्या है, बायोस फर्मवेयर का प्रकार होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट CPCD मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 4 जल्द लेके आने वाले हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।